हेलो एवरीवन, स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो मैंने चैप्टर 11th लिया है, इनमें से मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में फर्स्ट पार्ट विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए, सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? ठीक है, सागर में 1 जुलाई 1857 को जो विद्रोह का आरंभ हुआ तो वो किसने किया? शेख रमज़ान ने, भक्त वली ने, मर्दन सिंह ने या बोधन दोहा ने? चलिए एक का राइट आंसर फाइनली आपको कमेंट में बताना है क्या हो जाएगा। शेख रमज़ान ने, ठीक है फ्रेंड्स, ए विल बी दी राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग ना कमेंट में दीजिए, कमेंट में देने से आपको एग्जाम तक जो है याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। सागर में अंग्रेज़ पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? ठीक है, सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में बताइए। इनमें से चार ऑप्शन दिया हुआ है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 222 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 222 दिन। फाइनली सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेज़ों को परेशान किया? ठीक है, 1857 की जो विद्रोह था उसके दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में अंग्रेज़ों को किसने परेशान किया था? 3 नंबर का राइट आंसर कमेंट में बताइए, भक्त वली, मर्दन सिंह, बोधन दोहा या इनमें सभी? तो फाइनल इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनमें सभी, डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्त को भी पता चल जाए ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी 1857 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? ठीक है फ्रेंड्स, 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? फाइनली 4 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी कि ह्यूरोज ने किया। किसने किया? ह्यूरोज ने किया, यानी बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है क्या, ह्यूरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है? ठीक है, ह्यूरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है, ठीक है, एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है? चलिए क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर कमेंट में बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, यानी कि सी विल बी दी राइट आंसर। वीडियो को फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। इनमें से मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। झोकन, ठीक है, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? फाइनली इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, झांसी पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, झांसी पे। ठीक है, यानी ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है क्या, बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ? ठीक है, बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ? जी हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा, बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ? क्या हो जाएगा, कानपुर में हुआ। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कानपुर हो जाएगा फाइनली इसका जो है ना राइट आंसर, फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि बुंदेलखंड के किस स्थान पर ह्यूरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई राव, साहब भक्त वली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे? तो किस स्थान पर जो है एकत्रित हुए थे,
बताना है झांसी सागर कालपी या ललितपुर, क्या हो जाएगा आठ का राइट आंसर। फाइनली बताइए क्या हो जाएगा, कालपी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि आठ का राइट आंसर कालपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कालपी, यानी सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है क्या, तात्या टोपे ने अंग्रेज़ों को अत्यधिक झकाया उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1849 को फांसी दी गई। ठीक है, चलिए किस 18 अप्रैल 1849 को किस स्थान पर फांसी दी गई, झांसी शिवपुरी कानपुर या दिल्ली, बताइए। नौ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवपुरी हो जाएगा, यानी कि शिवपुरी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी राइट आंसर बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है क्या, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, फाइनली इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, अशोक मेहता हो जाएगा। कमेंट में बताइए अशोक मेहता हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अशोक मेहता इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया। ठीक है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया, बताइए। नाना साहेब, बेगम हजरत महल, यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, नाना साहब, बेगम हजरत महल, फाइनली ये दोनों, यानी सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था, यानी 1857 की क्रांति में जो प्रमुख नेता था बहादुर शाह जफर को, उसको हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का, हुमायूं के मकबरे से, क्या हो जाएगा, हुमायूं के मकबरे से, फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। ठीक है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, फाइनली 13 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, क्या हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा, यानी कोल्हापुर, सतारा, पूना, तो इनमें से सभी जगह, फाइनली डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है। ठीक है, 1857 की क्रांति से पहले जो अफवाह फैली थी, वो फैल रही थी ना, वो कौन सी अफवाह सही है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको बताना है 14 का क्या हो जाएगा, फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी अफवाह फैल रही थी, यानी डी विल बी द राइट आंसर। पहला अफवाह यह था कि कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है। दूसरा अफवाह यह था कि घी, आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है। तीसरा अफवाह था कि गाँव में चपाती या छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये सभी अफवाह ऊपर के जितना है सब हो जाएगा, यानी फाइनली डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था, क्या हो जाएगा, फाइनली राइट आंसर बताइए, छबीली, मनु, मणिकर्णिका, यानी इनसे सभी नामों से, इनमें से सभी नामों से हो जाएगा। ठीक है, 15 का डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस महिला को 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई। ठीक है, निम्न में से किस महिला को 1857 की क्रांति में उसका भूमिका निभाई, चलिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, ताईबाई, अजीजन, शीला देवी, इनमें से सभी ने, तो इनमें से सभी ने 16 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र किया, बताइए। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा महारानी बैजाभाई सिंधिया, महारानी बैजाभाई सिंधिया 17 का, यानी राइट आंसर बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा। ठीक है, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा, फाइनली 4 ऑप्शन है, 18 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा,
1857 की गदर को क्रांति किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। किसने कहा फ्रेंड्स? कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को कि क्या कहा? क्रांति कहा। 1857 की गदर को क्रांति कहा कार्ल मार्क्स ने। फाइनली ए विल बी द राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नज़र रखे हुए थे और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे। चलिए कौन सा व्यक्ति था बताइए। 19 नंबर का राइट आंसर। फाइनली राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा, यानी कि 19 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेज़ों की मदद की थी मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों के साथ दिया और अंग्रेज़ों को अत्यधिक परेशान किया? क्या हो जाएगा? 20 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। फाइनली कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। बख्त वली ने। क्या हो जाएगा? बख्त वली ने, यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जी हाँ फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था बताइए। फाइनली 21 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? काशी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में, यानी बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, 1857 की अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। क्या हो जाएगा? 22 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने किया। क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल, यानी सी विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जी हाँ फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ये कारण बहुत ही फेमस और मशहूर है, जिसे आप लोग जानते हैं, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। क्या हो जाएगा? चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, जिसमें सुअर के चर्बी का कारतूस को जो है भरा जाता था फायर करने के लिए बंदूक में, ठीक है, यानी पिस्तौल में। तो वो एक प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति का, याद रखना है। सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल्ड मॉडल है, ध्यान दीजिए। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा पीर अली ने किया। क्या हो जाएगा? 24 का पीर अली, ए विल बी दी राइट आंसर। 1857 की क्रांति का आरंभ हुई कब हुई बताइए। 25 का राइट आंसर बताइए। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई से शुरू हुई थी। कब हुई थी? 10 मई। फाइनली ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वयवगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? वयवगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? फाइनली चार ऑप्शन है, क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन से, डलहौजी से, लिटन से या मिंटो से। क्या हो जाएगा फाइनली राइट आंसर? लिटन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लिटन से, यानी कि सी विल बी दी 26 का, ठीक है, सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ठीक है, बिहार में 1857 के प्रमुख नेता कौन था? 1857 के विद्रोह प्रमुख नेता कौन था बताइए, कौन था? चार ऑप्शन है, बाजीराव लक्ष्मीबाई, दिलीप सिंह या कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कुंवर सिंह हो जाएगा, यानी डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? फाइनली इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन है, लॉर्ड क्लाइव, बैटिंग, लॉर्ड कैनिंग या डलहौजी। फाइनली इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिंग था, यानी कि सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं वीडियो यहीं पे एंड करूंगा, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिया हूं। आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप बार बार रिपीटिंग करके एक बार देख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।